देखिए मैं आपको बताऊं कि ये किस्म के हालात देख करके बड़ा दुख और सदमा होता है कि इनके मकान तोड़े गए, इनके माल मवेशियों का जो है वो नुकसान किया गया है, जो है इनके छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है वो घर से बेघर कर दिया गया है। आज इस वक्त आप देख सकते हैं कि इनके पास कोई भी शेल्टर यहाँ पर रहने के लिए नहीं है, यानी कि बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हैं। और आपको मैं ये बता दूँ कि जिस वक्त इनके ये मकान तोड़े गए थे उस वक्त यहाँ बहुत बड़ी सर्दी थी, एक्सट्रीम जो है वो उस किस्म की एक कोल्ड थी, तो उस वक्त इस हालात में इनको यहाँ पर रहना पड़ा, इनको यहाँ पर मजबूर किया गया रहने के लिए। और आज मैं आपको बताऊं कि इतनी बुरी कंडीशन हो रही है कि इनके पास किसी जगह पर भी कोई रहने के लिए जगह नहीं है, माल मवेशियों का जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद जो है इनके बच्चे उस सर्दी में जो है वो बीमार हो गए थे, ठीक है ना, उनकी भी बुरी कंडीशन हो गई थी। तो देखिए हमारा ये कहना है कि अगर एक तरफ से जो है एक स्लोगन लगाए जाते हैं कि भाई जो भी लोग जम्मू कश्मीर के अंदर या किसी जगह पर भी हैं उनको हम शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ तो उसके अपोजिट हो रहा है। यहाँ तो जिन लोगों ने अपनी मेहनत के साथ, अपनी मशक्कत के साथ जो है वो दिन रात करके अपने लिए शेल्टर जो है वो कहीं ना कहीं खड़े किए, तो उन शेल्टर को जो है वो तोड़ा गया है, लिहाजा इनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है। तो हमारी यही अपील रहेगी कि पूरा जम्मू और कश्मीर का बच्चा बच्चा जो है वो इनके साथ है, बगैर रंगो नस्ल मजहब मिलत, यानी कि हर मजहब का आदमी जो है इनके साथ यहाँ पे खड़ा है। और अगर किसी किस्म का जो है इनके साथ इंसाफ ना किया गया तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट को जो है वो फेस करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हमारी बार बार ये अपील, हमने इससे पहले भी कहा है कि इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। ये जुल्म और सितम जो बर्बरियत हुई है ऐसा बिल्कुल जो है वो कोई भी इस चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार